Hello aspirants, a very good morning. This is Zaheer and I welcome you back to SSB Crack Exams, your one-stop destination for all defense related examinations. You name it, we have it. A very pleasant good morning to each and every one of you. Ab sabhi ko jai hind bachcho. फटाफट से जुड़ जाओ, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी लिंक शेयर करो, ठीक है? ओके, पीयूष गुप्ता, मुस्कान पल्लवी, सैयद प्रवीण, ओके जुड़ जाओ बच्चों फटाफट से. निधि महाजन, रिया, हिमांशी, गुड. ओके, आप सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों. नवरात्रि नहीं है, गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में, एपी तेलंगाना में उगादी मनाया जाता है, ठीक है? न्यू ईयर जैसा है. ओके गुड, नवरात्रि नहीं है. तो आज 2 अप्रैल जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स और अपडेट्स हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन. वी प्रोवाइड यू विद वीडियो लेक्चर, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होते हैं. डेली करंट अफेयर्स, डेली डिफेंस अपडेट्स, लाइव क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ओके, स्टडी प्लान्स और स्टडी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होते हैं, अपडेटेड हमारा सिलेबस होता है. जो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न को फॉलो करके सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है? आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो रैंक एनालिसिस हम ही बता देंगे कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग. आपको इन सभी को ऑफलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा. डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देखो बच्चों, इंडिया इज अ कंट्री और इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है? हम कोई भी फेस्टिवल हो मना लेंगे, इसमें क्या है? कोर्सेस एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा बच्चों. एनडीए, सीडीएस, अफकैट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी, और भी कई इस तरीके के कोर्सेस अवेलेबल है, और भी नए नए कोर्सेस हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है? और एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा. और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं बच्चों. टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस भी होंगे, और स्पेसिफिकली सब्जेक्ट पर भी आपकी ग्रिप बढ़ जाएगी. लेक्चर का पीडीएफ कहां पर मिलेगा? सबसे पहले तो जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से कोई कोर्स या बंडल खरीदेंगे, देयर विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स. दूसरा, हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com से भी आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. वॉरियर अटेंड्स अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट. ओके, शैल वी बिगिन बच्चों? आर यू देयर? हाउ इज द जोश? कितने बच्चे जिंदा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अलाइव एंड किकिंग? ओके, लेट अस बिगिन. अगर आपको लेक्चर पसंद आए, इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना. चैनल पर नए हो, डू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स. क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल था, इसे सर्च करने की भी क्या जरूरत नहीं थी, ठीक है? द फर्स्ट एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा वॉज हेल्ड इन, पहला एडिशन, कल 5th एडिशन हुआ था बच्चों परीक्षा पे चर्चा का. तो पहला एडिशन 2018 में हुआ था, ठीक है? तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाया हुआ था. अपार्ट फ्रॉम इनिशिएटिव्स लाइक मन की बात, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर वो अपने मन की बात सुनाते हैं, क्योंकि इस तरीके के यू नो वन ऑन वन कनेक्शंस कनेक्शन करने के जो माध्यम थे, वो कहीं पहले हमें इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती थी. तो इट क्लियरली सेज के सरकार की तरफ से भी यू नो एक ओपन माइंड रखा गया है कि लोगों के साथ बातचीत की जाए, ख्यालात एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाए, ठीक है? तो 9th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों, उनके माता पिता, उनके टीचर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने कल बातचीत की हुई थी, परीक्षा पे चर्चा. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट. आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, April 2nd, ठीक है? हर साल April 2nd हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं बच्चों. ऑटिज्म, जैसे कि आप सभी को पता है, एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, जहां पर बच्चों में खासकर या फिर लोगों में कम्युनिकेशन और उनके बिहेवियर से लेकर ना चंद चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कोई एक तरीके की एक बीमारी है, एक सर्टेन टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है बच्चों, ठीक है? तो ऑटिज्म आप सभी इसके बारे में बेहतर जानते हैं, कई मूवीज वगैरह भी इस पर बनाई गई है. तो आज का दिन जो है अप्रैल 2nd का दिन, वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इवेंट्स रखे जाते हैं, खासकर स्कूल्स कॉलेजेस में,
ताकि ऑटिज्म पर हम अवेयरनेस ला सके, जान सके कि क्या कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों के, ठीक है, या फिर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जिन्हें हम कह सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2007 में इसे एक्सेप्ट किया हुआ था इस प्रपोजल को, और सिंस देन 2008 हमने पहली बार वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया हुआ था, ठीक है। तो इस साल का थीम आप देख लीजिए, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। कई बार हम देखते हैं कि इस तरीके के जो ऑटिज्म से जो रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, इस तरीके के बच्चों को कॉमन स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि चाहिए कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन उन्हें भी तो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि उनके पास भी कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक थीम बहुत जबरदस्त सा उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक 2022 रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की गई है बच्चों। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की तरह काम करता है बच्चों। 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, यूएई दुबई के एक रीजन में इसका हेडक्वार्टर्स है, अबू धाबी, ठीक है, यूएई में इसका हेडक्वार्टर्स है बच्चों। और स्पेसिफिकली ये एनर्जी ट्रांसिशन से रिलेटेड ही काम करता है, और पहला दुनिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी से ही डील करता है। हमारे पास बाकी के भी हैं एनर्जी से डील करने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है या फिर बाकी के भी यूएन के भी एजेंसी आप ले लें, लेकिन वो एनर्जी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही अपना फोकस रखता है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला सच ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बर्लिन एनर्जी ट्रांसिशन डायलॉग जो है वो हर साल रखते हैं, बर्लिन में जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी जाती है बच्चों, एनर्जी ट्रांसिशन डायलॉग। वहां पर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां पर आते हैं और वहां पर प्लीनरीज वगैरह होते हैं, डिस्कशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहीं पर जो है ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक 2022 लॉन्च किया गया था। ये एनर्जी ट्रांसिशन का मतलब क्या है? अभी जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो ज्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स में, कन्वेंशनल वेस में, फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे ट्रांसिशन करके हमें रिन्यूएबल साइड आना है, यानी कि वी हैव टू फ्लिप दोज थिंग्स सो दैट वी कैन मूव ऑन टू समथिंग ग्रीनर, विच इज समथिंग इको सस्टेनेबल, विच इज समथिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है एनर्जी ट्रांसिशन कहा जाता है, मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। तो IREN का, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है वो यही है कि वो ज्यादातर एनर्जी ट्रांसिशन के बारे में ही सोचता है, बात करता है। तो इस बर्लिन एनर्जी ट्रांसिशन डायलॉग में भी चंद प्रायोरिटीज जो है वो सेट किए गए थे बच्चों, बातचीत की गई थी खुले तौर पर कि क्या कुछ अवेलेबल हमारे पास टेक्नोलॉजीज है एज ऑफ नाउ जिसे हम 2030 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम नेट जीरो एमिशंस जो है वो अचीव कर सकें बाय 2050। कई कंट्रीज ने ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इंडिया भी इसका ही एक हिस्सा है बच्चों, कि हम नेट एमिशंस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे या फिर मेजरली हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो IREN ने अपने इस वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक में यही कहा कि क्या क्या अवेलेबल टेक्नोलॉजीज है, एक बार सोचिएगा किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली वो एक स्टॉक भी लेता है, यानी कि वो देखता जांचता भी है, डाटा को कलेक्ट करके वो एनालाइज करने की भी कोशिश करता है कि टिल डेट एनर्जी का यूसेज किस तरीके से रहा है, किस किस कंट्रीज ने ज्यादा यूज किया है, कौन सी कंट्रीज ने कम, कहां पर कमी है एनर्जी की, ठीक है। और ये पता भी है कि किस तरीके से करंट पेस जो है वो चल रहा है रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी ट्रांसिशन का, यानी कौन से कंट्रीज अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखा रहे हैं स्विचिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो पूरी तरीके से ए टू डेट डाटा हमें एनालाइज करता है, और खासकर दो चीजों का इनडेप्थ एनालिसिस वो किया करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड बायो एनर्जी, तो दोनों ही एनर्जी से ही रिलेटेड है। इस पर भी ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक अपना ध्यान रखता है। और स्पेसिफिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस भी ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को जो प्रोमिनेंस दिया जाता है इज बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे के जो पेरिस अग्रीमेंट में हमने जो साइन किए हुए थे, इवन IPCC के भी कई रिपोर्ट्स ऐसे आए हुए थे कि लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बाय दिस सेंचुरी एंड 1.5 डिग्री नहीं, ये तो थोड़ा बहुत पुराना है, उन्होंने तो 2 डिग्री सेल्सियस का भी थ्रेशोल्ड हमें दिया हुआ था। हाल ही में ही 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई हुई थी बच्चों IPCC की, तो वहां पर भी दिया गया था कि कंटिन्यूअसली हमारे टेम्परेचर के लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी
वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक में भी इसी के ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया गया था कि इसकी वजह से क्या क्या कुछ सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, कैसा इफेक्ट हमें ये दे सकता है, और स्पेसिफिकली यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी के बारे में किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी ये हमें चंद गाइडलाइंस देने की भी कोशिश करता है। यानी कि इतना सब कुछ घुमा फिरा के यही कहना चाहते हैं कि देखो भाई वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो दुनिया को चाहती है कि वो जल्द से जल्द एनर्जी को ट्रांसिशन में ला रहे हैं, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल से हो लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के साइड जो है वो हम फ्लिप करें। सो दिस वॉज वॉट इट वॉज ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, आप सभी ने न्यूज चैनल्स में भी इसे देखा हुआ होगा बच्चों, थर्सडे के दिन स्पेसिफिकली अमित शाह जी ने ट्वीट किया हुआ था कि जो कि नॉर्थ ईस्ट में हालत संभल रही है अच्छे खासे, हमें मिलिटेंसी के केसेस भी वहां पर कम होते हुए दिख रहे हैं, तो हम आहिस्ता से वहां पर अफ्सपा भी नॉर्थ ईस्ट में हटा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज पार्शियली विदड्रॉन द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 फ्रॉम पार्ट्स ऑफ थ्री नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दैट इज असम, नागालैंड एंड मणिपुर। स्पेसिफिकली मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं बच्चों, बहुत जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पर भी ये देखने को मिलेगा। ए टू जेड मैं वहां पर डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि क्या कुछ हुआ था, क्यों हुआ था, और अफ्सपा क्या है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्शियल चीजें क्या हैं, कौन सी कमिटीज हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ तो डिसीजन यही लिया गया है जो कि पिछले चंद सालों से मिलिटेंसी के इंसर्जेंसी के केसेस थोड़े बहुत वहां पर कम हुए हैं, तो पार्शियली और फुल्ली चंद रीजन से इसे हटाया गया है। तो नागालैंड में भी इट हैज बीन विथड्रॉन टोटली फ्रॉम द थ्री डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शियली फ्रॉम द फोर। सो विड्रॉल कवर्स 25% ऑफ द स्टेट एरिया, तो नागालैंड का 25% जो है इट इज फ्री फ्रॉम अफ्सपा, और असम में भी जो है लिफ्टेड फुल्ली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शियली वन। तो रिमेनिंग इट इज एक्चुअली रिमेनिंग इन फोर्स इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स, विड्रॉल कवर अराउंड 60% ऑफ द स्टेट एरिया। तो असम ही सबसे ज्यादा जो है वो फ्री हुआ है फ्रॉम द अफ्सपा। और तीसरा मणिपुर में इट हैज बीन पार्शियली लिफ्टेड फ्रॉम 6 वैली डिस्ट्रिक्ट्स, रिमेन इन फोर्स इन द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। तो आहिस्ता से उसे भी हटाने की कोशिश की जा रही है। सो दिस वाज व्हाट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैज हैपन। तो करेंटली अफ्सपा जो है वो 3 स्टेट्स में जो है फुल फ्लेज्ड एक्टिव है, तो अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स इट इज ऑल्सो इन अरुणाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपना स्पेशल एक्ट है बच्चों, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 1990 में पास किया गया था, ठीक है, 1990 में। उसी तरीके से पंजाब और चंडीगढ़ के लिए भी 1983 में, रिमेंबर उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह भी करवाया गया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी ये स्पेशल एक्ट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खासकर पंजाब और चंडीगढ़ के लिए भी 1983 में पास किया गया था। सो दिस इज अ रियल गुड इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की हुई थी, और एरोम शर्मेरा जी जो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी बिकेम द फेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ अफ्सपा, शी ऑल्सो वेलकम दिस स्टेप और कहा कि अब असली तौर पर डेमोक्रेसी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें देखने को मिल रही है, और लेट अस होप कि बहुत जल्द बाकी के भी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बाकी के भी रीजन्स में भी अफ्सपा को हटाया जाए, क्योंकि कॉलोनियल एरा का एक लॉ है बच्चों, ठीक है, ब्रिटिश वाले इसका इस्तेमाल करते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम फ्रेम में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, एंड सिंस देन बाद में जो कि हमारा पार्टीशन हुआ वहां पर भी इंसर्जेंसी मूवमेंट्स आ रहे थे, तो पंडित नेहरू जी ने इसे इसी तरीके से कंटिन्यू करवाया हुआ था, एंड सिंस देन हम उसका इस्तेमाल करते ही रह रहे हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज दरअसल भीमल जुल्का लेड एक कमिटी 2020 में बिठाई गई थी बच्चों, खासकर इसी फिल्म डिवीजन से रिलेटेड सोचने के लिए, वहां पर पूरी तरीके से क्रूशियल एक ओवरव्यू देखने के लिए। तो उन्होंने ये रैशनलाइजेशन क्लोजर एंड मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स भारत पूरे इंडिया में जो है भारत सरकार के सॉरी इंडिया के नहीं कह रहा हूँ भारत सरकार के जो है वो 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं अलग अलग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करते हैं, which is the films division, directorate of film festivals, national film archives of india and film children's film society of india। अब ये अलग अलग यूनिट्स अलग अलग अपने काम करते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं बच्चों। तो भीमल जुल्का साहब की कमेटी ने यही कहा कि तुम इन चारों को जो है एनएफडीसी में मर्ज कर दो, यानी कि एक फिफ्थ एंटिटी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी भारत सरकार का ही है बच्चों,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करता है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो अब ये चारों फिल्म मीडिया यूनिट जो है वो एनएफडीसी के साथ मर्ज किए गए हैं, यानी कि अब एक पूरी तरीके से एक बड़ा, बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला बॉडी क्रिएट की गई है। तो एज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न एंड द थिंग्स ऑफ फिल्म मेकिंग आर कंसर्न, वो सभी ए टू जेड अब एनएफडीसी ही देखेगा, दैट इज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज उत्कल दिवस, यानी कि हमारे ओडिशा डे जो है, या फिर ओडिशा जिस दिन आज के प्रेजेंट फॉर्म में आया हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, इट इज एक्चुअली ऑन April 1st उत्कल दिवस। तो ओडिशा डे या फिर ओडिशा फॉर्मेशन डे जो है वो हर साल April 1st को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट ओडिशा स्टेट फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस। तो बिहार और ओडिशा एक ही रीजन थे, तो इन्हें दोनों को सेपरेट करके जहां पर ओडिया स्पीक मेजोरिटी स्पीकिंग रीजन थे उन्हें ओडिशा की तरह बनाया गया था, एंड विद एडिशन ऑफ कोरापाट एंड गंजाम फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी ऑन द 1st April 1936। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑफकोर्स उस वक्त आंध्र प्रदेश भी मद्रास प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था, तो आंध्र प्रदेश के चंद एजेंसी रीजन, गंजाम रीजन और कोरापाट रीजन जो है, इन दोनों को भी मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर ओडिशा का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। तो उसी को कमेमोरेट करते हैं हर साल 1st अप्रैल को और सेलिब्रेट करते हैं उत्कल दिवस, यानी कि ओडिशा फॉर्मेशन डे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ था, ऑन दिस स्पेशल ओकेशन ऑफ उत्कल दिवस बेस्ट विशेष टू द पीपल ऑफ ओडिशा, ओडिया पीपल आर मेकिंग लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू इंडिया प्रोग्रेस एंड ओडिया कल्चर इज ग्लोबली एडमायर्ड, आई प्रे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा एंड इन द टाइम्स टू कम, ठीक है। तो उन्होंने अपने गुड विशेष भी दिए हुए हैं। हाल ही में ही हमने राजस्थान का देखा था ना, राजस्थान या पंजाब था, वो राजस्थान ही था बच्चों, March 30 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, March 30 राजस्थान। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज दरअसल कल 115th बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया था बच्चों ऑफ डॉक्टर शिव कुमार स्वामी, श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी, कर्नाटक के बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट, नॉट जस्ट कर्नाटक अक्रॉस द वर्ल्ड भी बहुत ही जाने माने जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में इन एज अ लिविंग गॉड भी कहा जाता था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो उनका देहांत हुआ बच्चों, 21st January 2019 को उनका देहांत हुआ था। तो वीरशैव लिंगायत, लिंगायतिज्म के एक बहुत ही बड़े रिलीजियस फिगर ये माने जाते हैं। लिंगायतिज्म के बारे में अगर मैं चंद बातें आपको कह सकूं तो 12th सेंचुरी के एक सोशल रिफॉर्मर बसवन्ना जी, जो कि कालाचौरी डायनेस्टी के एक मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस लिंगायतिज्म को एस्टैब्लिश किया हुआ था। पूरी तरीके से ब्राह्मणिकल सिस्टम से अलग थे बच्चों, ठीक है। दरअसल उन्होंने आवाज उठाई थी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, वैदिक रिलीजियन के खिलाफ, क्योंकि पूरी तरीके से उस वैदिक रिलीजियन को धुतकारा जाता है। लेकिन वीरशैविज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वीरशैविज्म अडॉप्टेड बसवन्ना एंड लिंगायतिज्म, यानी कि वीरशैविज्म ने यह कहा कि बसवन्ना जो थे वो हमारे ही थे, हमारा ही वो पार्ट एक हिस्सा थे, तो लिंगायतिज्म हैज कम फ्रॉम अस। तो वीरशैविज्म एक थोड़ा बहुत ब्रॉडर टर्म है व्हेन कंपेयर्ड विद लिंगायतिज्म। तो अभी भी कर्नाटक में ये लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच चल रहा है बच्चों, के यू नो दे बोथ आर सेपरेट कम्युनिटीज आइडेंटिटीज, लिंगायत्स क्लेम देमसेल्फ टू बी अ सेपरेट रिलीजन इटसेल्फ ऑल टुगेदर, क्योंकि बसवन्ना जी तो पूरी तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को धुतकारा हुआ था, पूरी तरीके से इवेंट अगेंस्ट द यू नो रिचुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, पूरी तरीके से जो कुछ भी वहां पर बिलीफ सिस्टम तरीके चलते थे। तो ये अभी भी कंट्रोवर्सी वहां पर चल रही है इससे रिलेटेड। तो डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी जो थे इन दोनों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट एक पर्सनैलिटी माने जाते थे, और सिद्धांगा मठ बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस है बच्चों कर्नाटक में, इफ एनी ऑफ यू कम्स फ्रॉम कर्नाटक यू विल नो अबाउट दिस। तो सिद्धांगा मठ बहुत ही फेमस है, तो वहां पर 1930 में उन्होंने उस मठ को ज्वाइन किया था और 1941 में उसके हेड शीर भी वो बने हुए थे, ठीक है, यानी कि वहां के पूरे जो मेन पीठाधिपति कहते हैं ना, तो ही ऑल्सो बिकेम दैट। और उन्होंने खुद श्री सिद्धांगा एजुकेशनल सोसाइटी भी फाउंड एस्टेब्लिश की हुई थी, इसके कई स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशन वगैरह भी थ्रू आउट कर्नाटका चलते हैं बच्चों। एंड डिस्क्राइब्ड एज मोस्ट एस्टीम अडेरेंट ऑफ लिंगायतिज्म, ही वॉज रेफर टू एज वॉकिंग गॉड, जैसे कि मैंने कहा कि उनके स्टेट में जो है वॉकिंग गॉड भी उन्हें कहा जाता था, और 2015 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। और अमित शाह जी दरअसल कल गए हुए थे बच्चों कर्नाटक में उस बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ था कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज के उनकी उनका भी मिलना हुआ था। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी मिले हुए थे, और यहाँ पर आप डॉक्टर कलाम के साथ भी उनकी बातचीत देख सकते हैं।
एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट इज नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स इस बार ओडिशा भुवनेश्वर में चल रहे हैं बच्चों। तो कल अन्ना मरिया ने फ्रॉम केरला उन्होंने नेशनल लेवल रिकॉर्ड जो बनाया हुआ था। शी बिकेम द यू नो इन द वुमेन 87 कैटेगरी केजी कैटेगरी ऑफ गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया विद अ नेशनल रिकॉर्ड एग्रीगेट ऑफ 231 केजीज। ठीक है, तो ये नया नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया हुआ है कल, जो कि नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भुवनेश्वर में चल रहे हैं KIIT यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है, तो 87 केजी के कैटेगरी में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया हुआ है। यहाँ पर मेन चीज आपको याद रखनी है, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो चलते हैं वो इस बार ओडिशा भुवनेश्वर में चल रहे हैं। ओके, आर यू देयर? देखिए, पहले ओडिशा कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं। ठीक है, सेम ही है, ओडिशा ओडिशा ओडिशा, नेम चेंज किए जाते हैं बस। क्या हो गया, दिन ब दिन बच्चों की तादाद कम क्यों हो रही है? एग्जाम्स जैसा करीब आ जाते हैं बच्चे पूरा टेंस हो जाते हैं, यानी कि अब के क्या करंट अफेयर आएंगे क्वेश्चन पेपर में, इज इट? अरे क्या पता कोई ऐसा, अभी देखो अफ्सपा के बारे में डिस्कशन हमने किया, क्या पता क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले ने उसी ऑलरेडी कुछ अफ्सपा से रिलेटेड कुछ पूछा हो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बच्चों, प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। आज कहां का स्कूल, आज तो नेशनल लेवल हॉलीडे है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सर आप कहां से पढ़ाते हो? मैं भी स्कूल को जाता हूं ना, स्कूल के क्लासरूम से ही पढ़ाता हूं। आपकी तरह मैं भी यूनिफॉर्म वगैरह पहन के स्कूल जाता हूं। ठीक है, नन्ना मुन्ना बच्चा हूं मैं भी, गुड। ओके, द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली April 2nd। ठीक है, हर साल April 2nd को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की तरह हम स्पेसिफिकली जो है ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को, गुड। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, ओके वापिस आ जाओ, आंसर दो, कम ऑन क्विक। दो हजार दिसंबर में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था, सेलिब्रेट करते ही हैं हम अप्रैल के महीने में, तो दिसंबर में अडॉप्ट करने से पहले ही 2007 अप्रैल में हमने कैसे सेलिब्रेट किया बच्चों, कैसे ऑब्जर्व किया हमने, हाउ कैन दैट मैजिक हैपन? 2008 वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन वी ऑब्जर्व इट, वी अडॉप्टेड इन ऑन 18th December 2007। ठीक है, ये वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मैजिक था, वो हाथ हिला के करता है ना कुछ, पोर्टल ओपन करता है, तो इसी तरीके का पोर्टल था, पीछे गए थे तुम। ओके, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन आउटलुक 2022 इज रिलीज्ड बाय, और हाँ बच्चों दिव्यांशु सर की क्लास के बाद इमीडिएटली आ जाना, आज CDS पॉलिटी पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा, टेंशन मत लेना, आई विल कम टुडे। ठीक है, और शाम में NDA वालों के लिए भी मैं ही आऊंगा, आज NDA पॉलिटी पार्ट 2 देखेंगे हम दोनों के लिए। यस, द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, गुड। कब एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों?
विकिपीडिया में डेट भी सर्च किया, देखो बच्चे ने हमारे अनिश, वेरी गुड, 26 जनवरी 2009, गुड, इतना कौन पढ़ता है भाई। करेक्ट आंसर इज बी। हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों इसका? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। सेशन को लाइक करो बच्चों, आपको भी दुबई सऊदी भेजा जाएगा। आपके पेरेंट्स से पूछो, ठीक है? वीजा वगैरह नहीं लगवाया तो बोलो मोदी जी तो नहीं कर, जयशंकर जी, यस जयशंकर जी को बता देंगे, ठीक है? पहुंच बहुत दूर तक है हमारी, कर देंगे। अरे जेनीवा नहीं है, गुड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, अफेंड मत हो जाना, ठीक है? ऐसे जब भी हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आए, मेक श्योर कि जेनीवा उस ऑप्शन में हो। ओके, द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली मजदार सिटी दरअसल अबू धाबी का एक रीजन है बच्चों, ठीक है? ऐसा नहीं कि नया है, इट इज एक्चुअली इन अबू धाबी यूएई। अफ्सपा के बारे में थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब्जेक्ट रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, खासकर एनडीए सीडीएस एग्जाम्स में तो पूछता है, सीडीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सीएपीएफ प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूर पूछेगा। अफ्सपा स्टैंड्स फॉर, देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं, ये एएफ का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, बाकी के तीन आप पहचान लो। एएफ स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है? आर्म्ड फोर्सेस, एंड दिस ए स्टैंड्स फॉर एक्ट। अब बस आपको एसपी का फुल फॉर्म फाइंड आउट करना। ओके गुड, द करेक्ट आंसर इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है ये, पावर्स एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है आर्म्ड फोर्सेस को, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, स्पेशल पावर दिए जाते हैं। इनिशियली पहली बार भारत देश में अफ्सपा या फिर इस तरीके का एक कानून हमें कब देखने को मिला हुआ था? देखो बच्चे तकलीफ में हो, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, क्यों बच्चों की जिंदगी परेशान करें, ऑलरेडी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, थोड़ी बहुत मदद करते हैं, तो इसीलिए मैं बता देता हूं बच्चों, बहुत दयालु हूं मैं। देखिए नहीं, लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स में इस्तेमाल किया गया, पूछ रहा है पहली बार अफ्सपा कब इस्तेमाल किया गया था। डोंट यू थिंक 1857 रिवोल्ट को ब्रूटली सप्रेस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया हुआ था उस वक्त। बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ था बच्चों आपको, आई डोंट नो व्हाई मेनी ऑफ यू आर राइटिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके सो द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट में ही पहली बार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इस्तेमाल किया गया था, ठीक है? रिवोल्ट 1857 में, नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, यही वाला था बच्चों वो एक्ट, ठीक है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 के नाम से उसे रिलीज किया गया था। किसने पास किया हुआ था वो? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942 वॉज पास्ड बाय। इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, आर यू सीरियस? ये बेचारा 1854-55 उस टाइम फ्रेम में था, 1856 में चला गया बेचारा, 1942 तक तो जिंदा भी नहीं था डलहौसी।
लॉर्ड लिनलिथगो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आते हैं लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल के बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबैटन। बच्चों वॉइस रॉयस एंड गवर्नर जनरल्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल पूछता है कई बार। और बाद में जो है ऑफकोर्स चार ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे बच्चों इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और बाद में 1948 में जैसे कि मैंने कहा कि चार ऑर्डिनेंसेस पास करके एक एक्ट पास किया गया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कि इंसर्जेंसी बढ़ रही थी वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट ज्यादा हो रहे थे, तो 1958 में जो आज हम देख रहे हैं ना, आज भी जो नॉर्थ ईस्ट में अफ्सपा लगाया गया है वो यही एक्ट था, फर्स्ट टाइम आया हुआ था। तो आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट उसे कहा गया था। बाद में बाकी के जो स्टेट्स हैं उसे भी जो है अंडर दिस परव्यू लाया गया था, यानी कि अरुणाचल, असम, नागालैंड, उन सभी को, ठीक है। तो किसने लाया हुआ था वो? वेरी गुड, 1958 में हमारे होम मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभपंत, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस के पहले चीफ मिनिस्टर भी हैं ये, यानी कि यूपी के पहले सीएम भी थे। सो गोविंद बल्लभपंत, गुड। आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट कब पास किया गया था? पंजाब में भी थोड़ा जब खालिस्तान का मूवमेंट जब चल रहा था ना बच्चों, तो वहां पर भी उस खालिस्तानी मूवमेंट को क्वेल करने के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। अभी तो नहीं है पंजाब में, अभी तो पंजाब में नहीं है, अभी तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में और जम्मू एंड कश्मीर में ही है अफ्सपा। सेशन को लाइक करो बच्चों, द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज लव एंड सपोर्ट। ओके गुड, द करेक्ट आंसर इज 1983, ठीक है। 1983 इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन टेंपल को सीज किया गया था उस वक्त। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कब पास किया गया था बच्चों? आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट। ओके गुड, द करेक्ट आंसर इज 1990, ठीक है, ऑसम। डिस्टर्ब्ड एरिया, अफ्सपा के अंडर एक स्पेशल प्रावधान है और खासकर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1972 भी पास किया गया था, जिसके तहत कौन अनाउंस कर सकता है या डिक्लेयर कर सकता है कि कोई भी एक स्पेशल एरिया या फिर पूरा स्टेट या फिर स्टेट का एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है। जब उसे डिस्टर्ब एरिया करार दिया जाता है तो वहां पर सेंटर जो है अपने आर्म्ड फोर्सेस भेजती है सिविलियन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की एजेंसीज को वहां पर असिस्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो कहते हैं ना बच्चों के अफ्सपा लगाया गया, यानी कि उसे डिस्टर्ब्ड एरिया की तरह प्रोक्लेम किया गया है। ओके गुड, गवर्नर प्रोक्लेम करते हैं बच्चों एक्चुअली, ठीक है। गवर्नर प्रोक्लेम से फिर गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करते हैं और गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अनाउंस करती है एज डिस्टर्ब्ड एरिया। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर एम्पावर्ड टू डू दैट। कोई भी, याद रखो, कोई भी एक पूरा स्टेट या फिर किसी स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट हो, रीजियन हो, मंडल हो, उस रीजियन को डिस्टर्ब्ड एरिया की तरह अनाउंस कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार नहीं दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनफैक्ट 6 महीने तक का स्टेटस को मेंटेन करता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से स्थगित हो जाना वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी, जहां पर भी अफ्सपा पड़ता है, जहां पर भी डिस्टर्ब्ड एरिया की तरह हम प्रोक्लेम करते हैं, पूरी तरीके से चक्का जाम लग जाता है। 6 महीने तक ये स्टेटस उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। दो सेक्शंस बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है बच्चों पूरे अफ्सपा के, एक तो सेक्शन 3, दूसरा सेक्शन 4। तो सेक्शन 3 क्या अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? कैन स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर अफ्सपा? देखिए यहां पर थोड़ा हमें स्टेट गवर्नमेंट के तौर से भी सोचना पड़ेगा। क्यों स्टेट गवर्नमेंट पूछेगी कि अफ्सपा इंपोज करो? पहली चीज,
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर सेंटर आके यहाँ पर चलाए, वो तो 99 नहीं 110% वो लोकल पुलिस की मदद से ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अफ्सपा कब लगाया जाता है? जब स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसे कंट्रोल ना कर पाए या फिर नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जब ठेस पहुंचने की कोई एक हालत आ जाए तो वहां पर वहां के गवर्नर जो है नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता लोकल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से, तुम आर्म्ड फोर्सेस को उतारो। तो सेंटर जो है अल्टीमेटली अल्टीमेटम की तरह आती है वहां पर एंड में, तो उस नजरिए से भी आप सोचिएगा। तो इसीलिए तो इवन हाल ही में ही जो दिसंबर में शूटआउट्स हुए थे नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पर भी नागालैंड असेंबली में भी ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि अफ्सपा को हटाओ, ठीक है। सो सेक्शन 3 कहता है कि दे कैन डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं, प्रेसिडेंट रूल इज डिफरेंट। प्रेसिडेंट रूल में कौन सी आर्म्ड फोर्सेस आती है आपके स्टेट में, बताओ मुझे। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल, अभी पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल 356 स्पीक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल आता है तो कौन से आर्म्ड फोर्सेस उतारते हैं आपके स्टेट में? कुछ भी नहीं उतारते, बस सेंटर डायरेक्शंस देना शुरू करता है स्टेट को, और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जाता। मैंने अभी आपको कहा कि 6 महीने का स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। और सेक्शन 4 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को एक खुली छूट देता है कि कहीं पर भी उन्हें ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी मिले, चाहे जो इंडिविजुअल कर रहा है फिर ग्रुप ऑफ पीपल कर रहा है, वहां पर वो फायरिंग ओपन कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। लेकिन एक कंपलसरी नोटिस उन्हें कंपलसरी दी जानी चाहिए, यानी कि अनाउंसमेंट करना चाहिए, और वहां पर किसी भी तरीके का यू नो वायलेंट एक्टिविटी भी हो तो आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी पर्सनल पर जब तक सेंटर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा आप चार्जेस नहीं लगा सकते एज पर सेक्शन 4 ऑफ अफ्सपा। तो दरअसल यही दो सेक्शन हैं जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल माने जाते हैं पूरे अफ्सपा में। तो जस्टिस जीवन रेड्डी की कमिटी अपॉइंट की गई थी बच्चों, जिन्होंने अफ्सपा के बारे में बहुत ही सोचा हुआ था और कहा हुआ था कि यस यू नीड टू रिपील दिस, ये कॉलोनियल एरा का एक लॉ है, आपको इसे रिपील करना चाहिए, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ही आपको चंद प्रावधान जो इंसर्ट करके यूएपीए को ही आपको अप्लाई करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे सेड। तो जस्टिस जीवन रेड्डी की कमिटी 2004 में अपॉइंट की गई थी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संतोष हेगडे साहब की कमिटी बिठाई हुई थी, सेम तरीके का रिकमेंडेशन दिया गया था वहां पर भी। ओके, तो संतोष हेगडे कमिटी वाज आल्सो इन 2013, ठीक है, और यही कहा कि अफ्सपा हैज एक्चुअली गिविंग स्वीपिंग पावर्स टू मेन इन यूनिफॉर्म विदाउट ग्रांटिंग सिटीजंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स मिसयूज। हमने अफ्सपा में आर्म्ड फोर्सेस को हद से ज्यादा पावर्स तो दिए हैं लेकिन उस पावर्स के इक्विवेलेंट हमने सिटीजंस को उससे प्रोटेक्शन करने के कोई भी तरीके के प्रावधान नहीं दिए हैं। दिस इज व्हाट संतोष हेगडे कमिटी सेट। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज फाउंडेड इन, देखिए यहां पर भी मैं आपकी मदद कर दूं, 19 और 5 सेम है, ठीक है, देखो 19 और 5 सेम है, बीच में का एक नंबर आप लगवा लो कौन सा है वो। अब इससे ज्यादा मैं आपकी क्या मदद करूं बच्चों, एक नंबर तो लगाना है आपको। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1975, 7 लगाते तो काफी था, 1975 इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर्स कहां पर है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का? यस द करेक्ट आंसर इज इट इज इन मुंबई। उत्कल दिवसा कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है?
हमारे नेशनल एंथम में भी आता है बच्चों, द्राविड़ा उत्कला बंगा, द्राविड़ा यानी कि साउथ सदर्न रीजन, उत्कला ओडिशा कलिंगा रीजन, बंगा यानी कि बंगाल का रीजन। ओके सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा, ठीक है, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? पूरे बच्चे तो नवरात्रि कह रहे थे गुड़ी पाड़वा है आज, उगादी है, न्यू ईयर, नवरात्रि तो, नवरात्रि भी है क्या? नवरात्रि तो दशहरा को मनाते हैं ना बच्चों। देखिए आई एम नॉट टोटली अवेयर इसीलिए पूछ रहा हूं, ठीक है। ओके गुड, ओडिशा वॉज फॉर्म्ड इन 1936 फर्स्ट अप्रैल, ठीक है। अच्छा आज पहली नवरात्रि है क्या? ओके तो आप जो कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी दैट वन। ओके अच्छा नवरात्रि साल में दो बार आती है, गुड। वीरशैव लिंगायतिज्म वॉज रिवाइव्ड बाई? कौन थे वो जिन्होंने रिवाइव किया हुआ था लिंगायतिज्म के लिए? तो हम फाउंडर ही कहेंगे, वीरशैविज्म के लिए रिवाइव, क्योंकि पहले से ही ये मूवमेंट था ये, ठीक है, ये कम्युनिटी चल रही थी। ओके गुड, द करेक्ट आंसर इज बसवा या फिर बसवन्ना, ठीक है। ही वॉज द वन हु रिवाइव्ड या फिर हु फाउंडेड वीरशैव लिंगायतिज्म, गुड। दैट वॉज द लास्ट रिव्यू क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जाकर लिंगायतिज्म वीरशैविज्म के बारे में पढ़ो, थोड़ा बहुत यू नो कर्नाटक में अभी भी कॉन्ट्रोवर्सीज पर चल रही है। तो बसवन्ना 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? किस डायनेस्टी में वो एज अ मिनिस्टर काम कर रहे थे? विजयनगरा, कालाचौरी, रेड्डी डायनेस्टी या फिर चोला डायनेस्टी? आपको इसका आंसर मंडे मिलेगा क्योंकि कल तो हॉलीडे, एंजॉय योर वीकेंड। सो दिस आर ऑल द कोर्सेस एंड बंडल्स विच वी प्रोवाइड, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा बच्चों, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। और लेक्चर का पीडीएफ जैसे कि आप सभी को पता है, जब आप पहले ऐप डाउनलोड करेंगे कोई कोर्स या बंडल खरीदेंगे, देयर विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स। दूसरा हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com से भी आप जाकर इसे डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। अभी दिव्यांशु सर आएंगे, दिव्यांशु सर की क्लास के बाद शार्प 10 to 11 CDS Polity Part 2 मैं ही आऊंगा, ठीक है, Part 2 I will come। और शाम में NDA वालों के लिए भी मैं ही आऊंगा बच्चों 4 to 5 PM तक, ठीक है। आज हम Polity का सेकंड पार्ट देखेंगे। Meet you in the next session, until then stay healthy, stay safe, thank you for watching my lecture, जय हिंद।